दोस्तों आखिरकार भारत और लीसेस्टर शायर की टीम के बीच में आज जो दूसरे दिन का वार्म अप मुकाबला खेला जा रहा है और कैसे भारतीय टीम ने आज दूसरे दिन के खेल के दौरान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लीसेस्टर शायर टीम के खिलाफ आज 400 रनों से ऊपर का स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों आखिरकार क्या चल रही है पूरी लाइव अपडेट इस मुकाबले के आज दूसरे दिन, वो सब तो आपको हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और लीसेस्टर शायर टीम में से कौन सी टीम इस प्रैक्टिस और वार्म अप मुकाबले को देगी? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी भारत और लीसेस्टर शायर के बीच में ये रोमांचक मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो अभी इस वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय टीम अभी इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद है और ऐसे में खेले जाने वाले पांचवे टेस्ट मुकाबले से पहले भारतीय टीम का मुकाबला लीसेस्टर शायर टीम के साथ खेला जा रहा है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और लीसेस्टर शायर के बीच में हो रहा ये वार्म अप मुकाबला भारतीय टीम के लिए एक तरह से प्रैक्टिस मैच है। हालांकि दोस्तों हम सभी ने इस मुकाबले में देखा कि पहले दिन के मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी उतनी ज्यादा कुछ खास अच्छी रही नहीं थी, लेकिन दोस्तों आज दूसरे दिन जो भारत ने प्रदर्शन कर दिखाया है जितनी उसकी सराहना की जाए उतनी ही कम है। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि जब पहले दिन का खेल खेला गया था तो यहाँ पर भारतीय टीम ने लीसेस्टर शायर काउंटी टीम के खिलाफ 60.2 ओवर तक बल्लेबाजी की थी और दोस्तों इस दौरान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में तो प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वो अपना विकेट काफी सस्ते में गवा बैठे थे। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा 47 गेंदों में मात्र 25 रन ही बना सके थे और उनको वॉल्कर ने साकंडे के हाथों कैच आउट करवाया, तो वहीं शुभमन गिल को डेविस ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाया। तो ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा 25 रन तो वहीं शुभमन गिल 21 रन बनाकर आउट हुए। बाकी आप सब यहाँ पर अगर पूरे स्कोर कार्ड पर नजर मारोगे तो यहाँ पर हनुमा बिहारी ने 23 गेंदों में मात्र 3 रन की पारी खेली, तो वहीं विराट कोहली ने 69 गेंदों में 33 रन बनाए। हालांकि यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने 11 गेंदों में 0 रन, रविंद्र जडेजा ने 13 गेंदों में 13 रन, श्रीकर भरत ने 111 गेंदों में नाबाद रहते हुए पहले दिन के मुकाबले तक 70 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने 4 गेंद में 6 रन, उमेश यादव ने 32 गेंदों में 23 रन बनाए थे। हालांकि यहाँ पर मोहम्मद शमी का तूफान हम सभी को देखने के लिए मिला था, जहाँ मोहम्मद शमी ने 26 गेंदों में 18 रन की पारी खेली थी और दोस्तों इस दौरान श्रीकर भरत और मोहम्मद शमी आज दूसरे दिन मैदान पर अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरे। जी हां दोस्तों आज हम आपको बता दें कि भारत और लीसेस्टर शायर के बीच में आज दूसरे दिन का मुकाबला खेला जाएगा और दोस्तों इस दूसरे दिन के वार्म अप मुकाबले में हर किसी को उम्मीद होगी कि भारतीय टीम अभी 246 रनों तक पहुंच चुकी है और अब दूसरे दिन के मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर जरूर 400 रन का आंकड़ा भारतीय टीम पार करेगी। और अगर ऐसा कर पाने में भारतीय टीम कामयाब होती है तो इससे हम सभी मान सकते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी कोई कमजोर बल्लेबाजी क्रम हम सभी को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आज दूसरे दिन का मुकाबला आप सभी लीसेस्टर शायर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकोगे और वहीं दोस्तों इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप सभी को भारतीय समय अनुसार शाम को दिखाया जाएगा। और वहीं अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो दोस्तों ये एक तरह से प्रैक्टिस मुकाबला है, हालांकि इस मुकाबले का कोई नतीजा तो नहीं आएगा, लेकिन इस मुकाबले के बाद हम सभी को पता चल पाएगा कि आखिरकार भारतीय टीम का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ कैसा पांचवे टेस्ट मुकाबले में रहने वाला है। तो बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और लीसेस्टर शायर के बीच में खेले जा रहे इस रोमांचक मुकाबले के बारे में और आपके अनुसार क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाबी पा सकेगी या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।